और डाठी इश्क आतिश। आइए नूर जहां, एक बात करनी है तुमसे। जरूर आइए। जरूर। मेरा ख्याल यह है कि अब वक्त आ गया तुम्हारा वादा पूरा करने का, ज़ैन अली और शफक की शादी का। मैं चाहती हूँ कि कुर्रतुलैन की शादी के मौके पर शफक और ज़ैन अली के बारे में ऐलान कर दिया जाए। यह आपको जाना ख्याल कैसे आया? अचानक तो नहीं, पहले भी कई बार सोचा इस बारे में, लेकिन तुम बताओ कैसी आपकी खुशी हो। सब लोगों को जान लेना चाहिए कि शफक और ज़ैन अली बचपन ही से एक दूसरे के साथ मंसूब हैं। ठीक है, लेकिन मैं समझता हूँ ज़ैन अली से इस बारे में बात तो कर लूँ मैं। क्यों, ज़ैन अली को कोई एतराज होगा क्या? नहीं नहीं, उसे क्या एतराज होगा, वो शफक को पसंद करता है। तुमने वैसे कभी जिक्र तो किया होगा उससे? नहीं, कभी जरूरत ही महसूस नहीं हुई। वक्त से पहले मैं क्या बात करता, लेकिन मुझे उस लड़के पे पूरा एतमाद है, वो मेरी बात को टालेगा थोड़ी। तुम पर ही भरोसा किए बैठी हूं मैं। तुम तो अच्छी तरह जानते हो शफक बचपन से उसके नाम पर बैठी हुई है। ये क्या कागजात लेके बैठे हो? वही रोज के झगड़े, कोर्ट कचहरी के। चलो, तुम्हारा भी जी इन्हीं चीजों में बहलता है। एक दिन गांव में रहकर तुम्हारी सेहत बहुत अच्छी हो गई है, खिलाफ मामूल प्यारी लग रही हो। अच्छा चलो, मैं तो प्यारी लग ही रही हूँ, लेकिन तुम पे जरा असर नहीं, वैसे कि वैसे लंबे और बुरे से लग रहे हो। चलो, इससे एक बात तो साबित हो जाती है कि हम बदलने वालों में से नहीं। हाँ, लेकिन गाड़ी में म्यूजिक बदलना बहुत जरूरी है। ये पेंडेंट तुम पर बहुत खूबसूरत लग रहा है। अच्छा, बड़ी जल्दी नोटिस कर लिया तुमने। ऐसा हो सकता है कि मैं तुम्हारी कोई चीज नोटिस ना करूं। नोटिस तो बहुत पहले कर लिया था, लेकिन क्या है अब। अच्छा, तो फिर जरा जल्दी जल्दी दिया करो ना ऐसे अच्छे अच्छे गिफ्ट। वैसे इस ऑनर की कोई खास वजह? कोई ख़ास वजह तो नहीं है, सिवाय इसके कि आई रियली लाइक यू। म्यूज़िक बहुत बुरा है तुम्हारी गाड़ी में। म्यूज़िक पे कुछ काम करना पड़ेगा लगता है। देख रहा हूँ। वैसे कहाँ जा रहे हो तुम? यहीं पर एक ढाबा है, चाय बहुत अच्छी होती है वहाँ की, पी लेते। कोई हाथ से मौका नहीं जाने देना तुम, खाई पिए बगैर नहीं होता। मैंने बात की है अकबर अली से। क्या कहा छोटे अबू? ज़ैन से बात करेंगे वो। मैंने तो साफ साफ कह दिया कि भाई जो बात हम दोनों के दरमियान है वो सब पर वाज़ेह होनी चाहिए, और मुझे यकीन है कि अकबर अली अपना वादा पूरा करेंगे। आपको क्या लगता है, ज़ैन अली मान जाएंगे? क्यों नहीं मानेगा? मैं भला तुम्हारी हक तलफी होने दूंगी? कभी नहीं। और तुम्हारे छोटे अब्बू कितना चाहते हैं वो तुम्हें। अकबर अली को अपना वादा पूरा करना ही होगा हर हाल में। पता नहीं अम्मी, आपको खुद उनसे बात नहीं करनी चाहिए थी। क्या सोचेंगे वो? क्या सोचेंगे भाई, मैं नहीं चाहती थी कि पानी सर से हो जाओ, बस इसीलिए कर ली बात। तुम फिक्र मत करो। ये तहरीम खुद को समझती क्या है, हर बात पे अपनी मर्जी थोपती रहती है। क्यों, आप क्या किया उसने? मेरे कपड़े, मेरी जूलरी सब शफक को दिखा दी। जबकि आधी से ज्यादा चीजें मैं पैक कर चुकी थी, उसने फिर भी खुलवाई। मुमताज ने बिगाड़ के रख दिया इस लड़की को। फुप्पो ने बिगाड़ा है ना, वो ही भुगतेंगी। बेटा तुम हौसला करो, सब्र से काम लो। अभी तो पता नहीं उस घर में तुम्हें क्या क्या बर्दाश्त करना पड़ेगा। बर्दाश्त ही तो कर रही हूँ बाबा, वरना तो शफक और नूर जहां पप्पू कितना हंसते होंगे मुझ पर कि तेरी मुझे अपनी उंगलियों पर नचाती रहती है। उनका जो दिल चाहे उन्हें समझने दो बेटा, बस तुम ससुराल में अपने कदम जमाने की कोशिश करो। मुझे यकीन है बहुत जल्द तुम ही उन्हें तिगनी का नाच नचवाओगी। जी ये तो होगा। वैसे रोहेल इस मामले में बहुत अच्छा है। बेटा रोहेल से भी तुम्हें जरा मोहतात रहना पड़ेगा। अच्छा ये बताओ कि ज़ैन अली और तहरीम के दरमियान क्या सिलसिला है? वो तो सबको दिख रहा है। अब लोग जानबूझ के अंधा बनना चाहते हैं तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? देखो बेटा रोहेल से बातों बातों में सब कुछ पता लगाने की कोशिश करो, कहीं ऐसा ना हो कि हम लोग बेखबर रहे और सब कुछ हो चुका हो। हाँ किसका टेक्स्ट है? शफक का है, पूछ रही है पहुंच गया तुमने? ओह तो फिर मुझे भी क्या होगा, मुझे तो कोई टेक्स्ट नहीं आया उससे। किया होगा, जरूर किया होगा उसने। ऐसे कैसे हो सकता है? हाँ तुम्हें क्या होगा तो मुझे भी क्या होगा। नेटवर्क का इशू होगा, आ जाओ। I suppose. इश्क जलावे इश्क बुझावे आमियां, इश्क जलावे इश्क बुझावे इश्क ही सारा भेद रचावे, इश्क ही सारा भेद रचावे, इश्क ही आप खुदा, इश्क ही आप खुदा, खुदाई खुदाई में खुदाई खुदाई में यार डाठी इश्क आ। वालेकुम अस्सलाम। भाई खूब सोई आज तुम? हाँ बहुत थक गई थी, मैंने भी इसीलिए नहीं उठाया। अच्छा ये बताओ सब कैसा था हवेली में, सब ठीक था? बहुत अच्छा माशाल्लाह से। शादी की तैयारियां हो रही हैं शोरों पे। सारी बातें एक तरफ, असल बताओ नूर जहां बेगम के क्या रवैये थे? ठीक था, खुश थी बहुत। बहुत मजे मजे के खाने खिलाए उन्होंने हमें और बहुत कुछ दिया भी है साथ लाने को। ये कौन सी नई बात, मेरे भाइयों की जमीनों से ये सब कुछ तो हमेशा से आता रहा है, चावल गेहूं गन्ने। ये बताओ उन्होंने अपने पल्ले से क्या दिया, क्योंकि जब उनकी बेटी आती है ना तो हजारों चीजें लेके जाती है हमसे। तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे उन्होंने तुम्हें नौलखा ही थमा दिया। मैंने भी ये सोचा नूरजहां मामी की बात हो रही है और नौलखे का जिक्र ना आए, ऐसे कैसे हो सकता है। मगर पता है अम्मी, शुरू शुरू में वो बहुत चुप थी, मुझे समझ ही नहीं आई क्यों। तुम्हारे पेंडेंट के बारे में पूछा उन्होंने? पूछा। इनफैक्ट मुझसे सबसे पहली बात यही कही उन्होंने कि बहुत खूबसूरत है, किसने दिया है? तुमने क्या जवाब दिया? मैंने कहा ज़ैन अली ने दिया है। फिर तो जल बुट के राख हो गई होंगी। क्यों जलेंगी पुनेंगी भाई? तहरीम, तुम नहीं जानती नूरजहां को। मैं जानती हूँ, उनकी खसलत से वाकिफ, वो क्या सोचती हैं और इसको देख के क्या सोचा होगा उन्होंने। खैर छोड़ो, नाश्ता करो, मैंने अपने हाथ से बनाया आज तुम्हारे लिए। मैं ये सोच रही थी आपके हाथ का टेस्ट आ रहा है। हाँ, वो आई हुई थी, बहुत मजे किए हमने, घंटों बैठ के बातें की। तहरीम के साथ तो टाइम गुजरने का पता भी नहीं चलता। मैं तो उसे कह रही थी कि एक आध हफ्ते और रुक जाओ, लेकिन उसकी पढ़ाई वगैरह। चलो अच्छी बात है। हाँ, वैसे रोहेल, आपको ज़ैन कैसा लगता है? उसके बारे में क्या ख्याल है आपका? क्यों, ज़ैन क्यों अचानक याद आ गया तुम? याद नहीं आया, ख्याल आया है। वो मैं बाद में बताऊंगी, मुझे ये बताएं कि ज़ैन लगता कैसा है। ठीक है, मतलब अच्छा दोस्त है, कजन है, और क्या बोलूं। वैसे तहरीम के बारे में क्या सोचा है, उसकी शादी के हवाले से? अभी कुछ सोचा तो नहीं है, अब जब टाइम आएगा जब देखी जाएगी। क्यों, मम्मी ने कुछ कहा तुमसे? नहीं, मैं अपने तौर पे पूछ रही थी। वैसे मुझे लगता है कि तहरीम और ज़ैन एक दूसरे को पसंद करते हैं। अच्छा। अच्छा क्या मतलब? उसने आपसे कभी कुछ शेयर नहीं किया? नहीं, मतलब इनडायरेक्टली उसने कुछ कहा तो नहीं कभी मुझे। हैरत है। और आपको खुद भी कभी फील नहीं हुआ? हाँ, मतलब वो दोनों दोस्त हैं, मैं अननेसेसरीली उन दोनों की दोस्ती को कोई एंगल नहीं देना चाहता ना। और अगर वाकई उन दोनों के दरमियान कुछ है तो उसमें क्या प्रॉब्लम है? बाकी जो होगा देखा जाएगा। तो लड़का देखा शफक के लिए? हाँ, इंशाल्लाह बहुत जल्द खुशखबरी सुनाऊंगी तुम्हें। शादी के बाद क्या करोगे? जाहिर है नूरजहां चची के हाथ का खाना खाने उस वक्त तो नहीं आओगे ना भागे भागे? नहीं, मेरी बीवी बड़ी अम्मी से खाना बनाना सीख लेगी। हाँ भाई, मैं तो इसकी शादी ही ऐसी लड़की से करूंगी जो मुझसे भी अच्छा खाना बनाना जानती हो। यार लाठी इश्क आतिश, यार लाठी इश्क आतिश। शफक, मैं तुमसे बहुत अपसेट हूँ। तुमने एक भी बार मुझे फोन करके या टेक्स्ट करके नहीं पूछा कि मैं खैरियत से पहुंच गई हूँ या नहीं। पूछा था मैंने। अच्छा, पर मुझे तो तुम्हारा ना कोई टेक्स्ट मिला और ना ही मिस कॉल, जबकि ज़ैन मेरे साथ ही बैठा था, उसको तो तुम्हारा टेक्स्ट मिल गया। तुम दोनों को ही किया था मैंने, अब पता नहीं तुम्हें क्यों नहीं मिला। अजीब सी बात है, लेकिन खैर तुम कंफ्यूज क्यों हो रही हो? मैं तो बस ऐसे ही पूछ रही थी। अच्छा ना, छोड़ो इन बातों को। कैसी हो तुम? घर में सब कैसे? मैं ठीक हूँ, घर में भी सब ठीक है, लेकिन तुम थोड़ी ठीक नहीं लग रही मुझे। इज एवरीथिंग ओके? तुम ऐसी बातें करोगी तो मेरी तबीयत कैसे ठीक होगी? डरा देती हो तुम। चलो गुड, मैं तो डर ही गई थी। अच्छा लिसन, बाबा और अम्मा आ रहे हैं इस वीक हवेली। ज़ैन अली के साथ? हो सकता है। मैं जरा बाबा को बता दूं कि आप लोग आ गए। माशाल्लाह, अपनी शादी पर बहुत ही खुश है। क्यों खुश ना हो, खुशी की तो बात ही है। बस अल्लाह ताला नजर बद से बचाए। आमीन। फुप्पो, आप तहरीम को ले आती साथ? अरे मेरी बच्ची को इतने काम है, इतने काम करने के बावजूद भी सब काम फैलावा पड़ा। लेकिन अल्लाह भला करे ज़ैन अली का, इतनी खिदमत कर रहा है, इतना साथ दे रहा है। मेरा बेटा ज़ैन तो है ही ऐसा, किसी की भी मदद को पहुंच जाता है। भाभी आपने बिल्कुल सही कहा। अजी बताइए, इस शादी के मौके पे आप तोहफा क्या लेंगी? अरे अल्लाह पाक सलामत रखे मेरे भाइयों, मेरे बिन कहे ही सब कुछ कर देते हैं। सच बताऊं, आप लोगों का आना ही मेरे लिए बहुत बड़ा तोहफा होगा। मेरे घर की पहली खुशी जो ठहरी। ये तो खानदान की इतने सालों के बाद पहली खुशी है। बस इस मौके पे बाबा साहब, अम्मी और ज़फर अली की याद बहुत आती। हाँ ये तो है, याद तो वो हर मौके पर आते हैं। अच्छा मैं ये कह रही थी कि तुम शफक को अपने साथ ले जाओ। तो यहाँ मैं हूँ, वहाँ पे ज़ैन अली भी यहीं होगा। पुरोतलैन की रुखसती करने के लिए भी तो कुछ लोगों को यहाँ होना चाहिए ना। शफक को तुम ले जाओ अपने साथ, क्यों अकबर अली? जी जी बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा मैं तो सोच रही थी कि सब मेरी तरफ से शिरकत करते। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन यहाँ कुरतुलैन को रुखसत करने के लिए भी तो कुछ लोगों को होना चाहिए ना। बिन माँ की बच्ची है, यूँ यूँ महसूस ना करे। खैर कार्ड देखा? हाँ बहुत अच्छा है माशाल्लाह, दिखाओ। बहुत अच्छे है माशाल्लाह। ज़ैन, क्या हुआ? मुझे देख के इतना शौक में क्यों चले गए हो? नहीं कुछ नहीं। बाकी सब लोग कहाँ हैं? भूल गए, अम्मी और बाबा को जाना था ना हवेली, प्रॉपर इनविटेशन देने के लिए शादी की। अरे मैं तो बिल्कुल ही भूल गया, मुझे भी जाना था। बड़ी अम्मी ने कुछ चीजें मंगवाई थी। ओ ग्रेट, तो शफक के भी कपड़े आ गए हैं टेलर से। प्लीज़ तुम ले जाना अपने साथ, अच्छा है वक्त पे उसकी भी फिटिंग्स चेक हो जाएंगी। चलो मुझे एक कप कॉफ़ी पिलाओ। ये कमांड बिल्कुल अच्छा नहीं था, रुक जाओ तुम। जब अपने लिए बना लूँगी तो तुम्हारे लिए भी बनाने का सोचूंगी। ऐसे तुम किचन में काम करती हुई इतनी अच्छी लगोगी, मैंने कभी नहीं सोचा था। हर मर्द को औरत किचन में ही अच्छी लगती है सर। हाँ तो ठीक है ना, औरतें किचन में मुकम्मल लगती हैं। कर दी ना आखिर टिपिकल जागीरदारों वाली बात। तो इसके बदले में तुम खुद इधर आओ और अपने लिए कॉफी बनाओ। यार मुझे तो लगता है किचन के सारे काम सीख ही लेने चाहिए, तुम पर तो कोई भरोसा नहीं। वैसे आइडिया बुरा नहीं है ज़ैन अली। ऐसी कड़वी कॉफी बना के दूंगी ना, कभी नहीं मांगोगे। एक कप कॉफी मांगी सिर्फ, धागा कॉफ करो। मुमताज तुम मेरे ख्याल से रुक जाओ अभी, अगर अभी निकलोगी तो आधी रात को पहुंचोगी। कह तो आप ठीक रहे हैं, लेकिन हम तहरीम को कैसे अकेले छोड़ दें, वो भी सिर्फ मुलाजमों के सर पे। लेकिन मुलाजिम आपके सब एतमाद वाले हैं, बरसों से हैं, और तहरीम को तो उन्होंने औलाद की तरह पाला है, तो आप भरोसा कीजिए। अरे तहरीम को क्या मसला है भाई, पढ़ी लिखी है, समझदार है, शहर में घूमती फिरती है। हाँ उसकी जगह अगर मेरी भोली भाली शफक होती ना, बहुत घबरा जाती। अरे नूरजहां शफक से याद आया, कोई लड़का देखा शफक के लिए? असल में पिछली दफा जब शहर आई थी ना, मेरी एक जानने वाली, उन्हें बहुत अच्छी लगी थी वो। हाँ हाँ इंशाल्लाह बहुत जल्द खुशखबरी सुनाऊंगी तुम्हें। शॉपिंग करके लाए हो? ये मेकअप इतना क्यों लेकर आए हो? अरे कुछ एक्स्ट्रा थोड़ी है, जितना आपने मंगवाया था उतना ही है। मैंने कब मंगवाया तुमसे ये सब? अरे आप ही तो कुरैतलैन के हाथों लिस्ट भेजी थी, उसने मुझे ईमेल की तो मैं ले आया। हाँ अच्छा अच्छा, मैं फ्रेश हो जाता हूँ, आप देख लें जरा। अम्मा, अगर कुरैतलैन ने मंगवा ही ली हैं चीज़ें तो क्या फ़र्क पड़ता है? क्यों फ़र्क नहीं पड़ता भाई, मेरा नाम लेके पूरी लंबी लिस्ट भेजी है उसने। चले, अब तो मंगवा ली है ना, कोई इतना बड़ा मसला थोड़ी है। तहरीम, तुम्हें कोई अकल की बात समझ क्यों नहीं आती बेटे? अरे फर्क पड़ता है। मैं तो उसे बहुत सादा सी लड़की समझती थी, वो तो इस कदर तेज निकली। चले अब जाने दें, अब क्या हो सकता है। मैं बात करूंगी कुरैतलैन से। आप बिल्कुल बात नहीं करेंगी कुरैतलैन से। रोहेल को कितना बुरा लगेगा, अपनी कमाई से लेके दी है ना उसने ये सारी चीजें। बस छोड़ दें, कोई फर्क नहीं होता। जाने दें, अब शादी के बाद ही बात कीजिएगा ना उससे। शादी से पहले नहीं समझ पाई तो बाद में क्या समझेगी। अच्छा आज मेरे साथ बैठ। मुझे नहीं बैठ। गॉड, तो आपको क्या जरूरत थी उनके आगे सारा सामान खोलने की? अरे मुझे थोड़ी पता था कि उन्होंने नहीं मंगवाया। मुझे तो खुद बहुत हैरानी हो रही है, पप्पू ने मुझे खुद लिस्ट दी थी। अब उनके तो जहन से निकल गया, लेकिन मेरी तरफ से तो आपका दिल खराब हो गया ना। अरे मेरा कोई दिल खराब नहीं हुआ तुम्हारी तरफ से। आपने ये तो सोचा होगा कि मैंने झूठ बोला है, जबकि मुझे पप्पू ने ही वो लिस्ट दी थी। और आपने भी तो मुझे कहा था कि अगर कुछ चाहिए तो मैं बता दूं, तो मैंने दो चार चीजें अपनी तरफ से भी ऐड कर दी थी। लेकिन मुझे क्या पता था कि इतना बड़ा इशू बन जाएगा। अरे कोई इशू नहीं बना है यार, उन्होंने बस पूछा, मैंने बता दिया, बात खत्म हो गई। तुम खामखा इतना क्यों सोच रही हो? मुझे अंदाजा था आप हमेशा मेरा ही साथ देंगे। जाहिर है मैं ही तुम्हें सपोर्ट करूंगा, और कौन करेगा। वैसे तो मैं सब कुछ ले ही आया हूँ, लेकिन आप एक नजर देख लें कि रंग सही हुए कि नहीं हुए। हाँ हाँ बिल्कुल ठीक है। देखा तुमसे क्या कहा था मैंने। मैं कह रही थी कि तुमसे कहीं अच्छे रंगवा के लाएगा दुपट्टे ज़ैन अली, देखना। और वो ही हुआ माशाल्लाह। अब बड़ी अम्मी ये मैंने नहीं रंगवाए हैं, मैंने तो भिजवा दिए थे। बल्कि ये सारा सामान भी मैं खुद जाकर नहीं लाया हूँ, और तहरीम लाई थी टेलर से कपड़े। हाँ हाँ, यहाँ तो तुम ही लेकर आए हो ना। खैर से अम्मी ये देखें कितना खूबसूरत है। अरे वाह माशाल्लाह, बहुत प्यारा है। लेकिन ये वो तो नहीं है जो मैंने पसंद किया था। ये तहरीन भिजवाया शफक के लिए। क्या कहूँ मैं इस लड़की को। अम्मी ये वही नेकलेस है जो मैंने पसंद किया था, और उसने मुझे खरीद के भेज दिया। बहुत प्यार करती है मुझसे। ऐसी है तहरीन, बहुत बड़ा दिल है उसका। अच्छा भाई अब तो तुम बहुत थके हुए आए हो, जाके आराम कर लो थोड़ा सा है। और शफक तुम्हें सुबह शहर जाना है, जाओ अपने कमरे में तैयारी करो और आराम करो थोड़ा सा। जी बड़ी अम्मी मैं इंशाल्लाह सुबह निकलूंगा। हाँ ठीक है। ठीक है बेटा। बस बड़ी अम्मी मैं शहर में आपके हाथ के खाना ही याद करता रहता हूँ। तो खाओ ना अच्छी तरह मेरी जान, तुम्हारे लिए तो बनाया सब कुछ, बल्कि जब तुम नहीं होते हो ना मेरा जी नहीं चाहता खाना बनाने को। ज़ैनल ये भी तो ठीक है, लेकिन शादी के बाद क्या करोगे? जाहिर है नूर जहाँ चची के हाथ का खाना खाने उस वक्त तो नहीं आओगे ना भागे भागे। नहीं, मेरी बीवी बड़ी अम्मी से खाना बनाना सीख लेगी। हाँ भाई मैं तो इसकी शादी ही ऐसी लड़की से करूंगी जो मुझसे भी अच्छा खाना बनाना जानती हो। अच्छा तुम ये शफक को शहर पहुँचाने के बाद वापस कब लौटोगे? इंशाल्लाह शादी से 2-3 रोज पहले आ जाऊंगा। ये क्या बात हुई, बहन की शादी में भाई इस तरह मेहमानों की तरह आएगा? कम से कम 1 हफ्ते पहले आओगे। नहीं बेटा तुम्हें पहले आना होगा, क्योंकि सारे इंतजाम तो तुम्हें ही देखने होंगे। ठीक है। ये तुमने देखा चिकन कैसा? जी मैं ट्राई करता हूँ, अच्छा लग रहा है। मेरे तुम्हारे बचपन में बाबा साहब ने तुम्हारा और शफक रिश्ता तय कर दिया था। अब मैं कैसे ऐसे किसी भी मंगनी को तस्लीम कर लूं जिसका पता ही मुझे आज चल रहा। शफक को तो बचपन में नूर जहां ने बता दिया था, वो तुम्हारे नाम से जुड़ी बैठी। बाबा मैं आपको बता रहा हूं, मैं शफक से हरगिज शादी नहीं करूंगा। मैं किसी और को पसंद करता हूं। और नहीं बात। Will you marry me? तहरीम, सब लोग इंतजार कर रहे हैं। यार लाठी इश्क आतिश, यार लाठी इश्क आतिश। ज़ैन बेटा। जी। ये शादी की तकरीबात खत्म हो तो थोड़ा वक्त निकाल कर तुम अपने अपार्टमेंट को रेनोवेट करवा लो। क्यों? अपार्टमेंट को अभी रेनोवेशन की जरूरत तो नहीं है। जरूरत पड़ भी सकती है। मैं चाहता हूं अब तुम्हारी भी शादी हो जाए। अभी तो बहुत टाइम पड़ा है बाबा। हाँ वक्त तो पड़ा है, लेकिन कम से कम कुरतुलैन की शादी में तुम्हारी मंगनी का ऐलान तो हो जाए ना। मंगनी? कौन सी मंगनी? तुम्हारी और शफक की। मेरी और शफक की? ये आप कौन सी मंगनी की बात कर रहे हैं जिसका मुझे इल्म नहीं है। मेरे तुम्हारे बचपन में बाबा साहब ने तुम्हारा और शफक रिश्ता तय कर दिया था। उनकी बड़ी ख्वाहिश थी कि मेरे बेटे की शादी जफर भाई की बेटी से हो। मैं नहीं मानता, ये मुझसे बगैर पूछे। बाबा मैं कैसे ऐसे किसी भी मंगनी को तस्लीम कर लूं जिसका पता ही मुझे आज चल रहा। और आज के दौर में बचपन की मंगनी just doesn't make sense। बेटा ये हमारे खानदान की बरसों की रिवायत है, हमारे रिश्ते इसी तरह तय होते हैं। मैं नहीं मानता किसी ऐसी रिवायत को। और आप खुद सोचें, आप अचानक मुझे आज बता रहे हैं कि मैं किसी के साथ कमिटेड हूं जिसमें ना मेरी रजामंदी है ना मैं राजी, और जिसका जिक्र भी मुझसे आपने अभी किया है, पहले कभी नहीं बताया। हाँ मैं मानता हूँ इससे पहले मैंने तुमसे कभी जिक्र नहीं किया, लेकिन मुझे यकीन था कि तुम मेरे फैसले को कबूल करोगे। और शफक, उससे पूछा आपने? शफक को तो बचपन में नूर जहां ने बता दिया था, वो तुम्हारे नाम से जुड़ी बैठी। बाबा मैं आपको बता रहा हूं, मैं शफक से हरगिज शादी नहीं करूंगा। मैं किसी और को पसंद करता हूं। कौन है वो? तहरीम। मैं तहरीम को पसंद करता हूं, शादी भी उसी से करूंगा। बहुत चुप है। नहीं बस ये। ये ज़ैन अली का मूड ठीक है क्या? हाँ क्यों? कुछ नाराज सा लगा मुझे। नहीं, मेरे ख्याल में थका हुआ है और कोई बात नहीं। तुमने बात की उससे? हाँ हुई थी। वो ये कह रहा था कि शादी के बाद इस बारे में बात करेंगे। बाद में बात करने का क्या मसला है? तुम कहते हो उसे कि कुछ लोगों के कान में ही ये बात डालनी है ना, कोई तकरीब तो नहीं करनी हमें। हाँ मैंने उसे ये कहा था, लेकिन वो कहने लगा कि शादी में बहुत मसरूफ है, आप तसल्ली रखिए, परेशानी की कोई बात नहीं है। दरअसल मैं इतना थका हुआ था कि ढंग से बात ही नहीं हो सकी। समझ सकती। शफक मेरा जोड़ा। अरे वाह, कितनी हसीन लग रही हो भाई। ऐ नेक दिल शहजादी, ये तो बताओ हमारी शफक को कहाँ छुपा रखा है तुमने? अच्छा बस करो ना, वरना मैं ये सब कुछ उतार दूंगी। खबरदार, इतनी हसीन लग रही हो कि अम्मा से कहना पड़ेगा तुम्हारी नजर उतारे। नजर भी उतर जाएगी। अरे ये तो बताओ तुम कब तैयार होगी? दूल्हा की बहन हो, जल्दी करो। माँ बदौलत को ज्यादा टाइम थोड़ी लगता है, अभी तैयार होकर आए। ऐसे ही रहना, आके पिक्चर लेती हूँ तुम्हारी। अरे ज़ैन देखो जरा बेटे, अभी तक रोहेल और तुम्हारे अंकल नहीं आए, केटरिंग वाले आने वाले होंगे, मैं क्या करूँ? पप्पू आप अपसेट क्यों हो रही हैं? वो दोनों आ जाएंगे। और देखें लाइटिंग तो मैंने करवा दी है, केटरिंग वालों के साथ भी मैं खड़ा हो जाऊंगा। अब परेशान मत हो, मैं हूं ना। मुझे पता है, लेकिन सब काम तो तुम पे नहीं डाल सकती ना, उन दोनों को भी कुछ करना चाहिए। अरे तुम इतनी जल्दी तैयार होगी? पप्पू तहरीम ने कहा था कि जल्दी तैयार हो जाओ। और तहरीम खुद कहा है कब तैयार होगी? तैयार हो रही है पप्पू, बस अभी आती होगी। अच्छा मैं मेहंदी के थाल देख लेती हूँ। हाँ देख लो। मैं आता हूँ मैम। हाँ अरे भाई क्या हुआ, फ्रीज क्यों हो गए? आज तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। कोई नई बात बताओ। नई बात? अच्छा तुम दिल में उतर जाने की हद तक खूबसूरत लग रही। और नई बात? मैरी ये कौन सा तरीका है प्रपोज करने का? ढंग से करोगे तो शायद कंसिडर भी कर लो। तहरीम सब लोग इंतजार कर रहे हैं। हाँ तुम लोग चलो, मैं आती हूँ। भी मेहंदी बहुत अच्छी लगेगी। बहुत ज्यादा प्यारा है तुम्हारा। कहाँ से गया? माशाअल्लाह नूरजान, इन दोनों की जोड़ी कितनी प्यारी लग रही है। यार लाठी इश्क आ